हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे है। इंजीनियरिंग कम्युनिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका अक्सर मैंने देखा है कि 80-85% स्टूडेंट जो भी होते हैं, और मैं 90% बोल दूँ, वो कहीं ना कहीं से लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो अगर आप भी लेट नाइट स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो जो है वो आप ही के लिए है, बिकॉज लेट नाइट स्टडी में कहीं ना कहीं से हम उतना इफिशियंटली स्टडी नहीं कर पाते हैं जितना हम चाहते हैं। हमने सोचा कि हम दो चैप्टर लगा लेंगे सुबह 4 बजे तक, बट वो 4 बजे तक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो मैंने आपके लिए कुछ प्लानिंग किया है, कुछ आपके लिए जस्ट सोचा है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद ज़्यादा इफेक्टिवली आएगा, और ऑब्वियसली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बिकॉज जस्ट जो चीज़ें मैंने सोची हैं वो ऑब्वियसली जो मैंने फील किया है, जो और भी स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, जिन लोगों से मेरी बात होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो भी उनके साथ हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हमने कुछ रिजल्ट निकाले। तो वो रिजल्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट ये कि जब भी आप लेट नाइट स्टडी के लिए बैठे, आपको लगता है कि मैं सर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ना चाहता हूँ, अब 10 से 4 का जो टाइम है उसमें आप रेगुलर अलार्म्स लगाते रहते हैं। अलार्म्स इन द सेंस कि आप 1 आवर के ड्यूरेशन पे, या 2 आवर्स के ड्यूरेशन पे, या 1.5 आवर के ड्यूरेशन पे आप अलार्म्स लगाते रहते हैं। अलार्म्स लगाने का एक फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी, 1.5 घंटे में मुझे इतना पढ़ना चाहिए था और इस 1.5 घंटे में मैंने इतना पढ़ लिया, तो यस मेरी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं। फर्स्ट काम आपको यही करना कि अपने टाइम को डिवाइड करना, और डिवाइड ऐसे करना है कि आपके अलार्म्स लगे हो प्रॉपर, कि इस ड्यूरेशन में मैंने इतना पढ़ना था, इतना कम्प्लीट कर लिया, अभी मैं इतना पढ़ूंगा, इतना कम्प्लीट कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक और है फोन। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग फोन के बिना तो कुछ कर ही नहीं पाते, बिकॉज ये सारा का सारा काम ही ऑनलाइन का, तो ऑब्वियसली आप फोन चलाइए, बट जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, बिकॉज हम कहीं ना कहीं से एफ बी देखते हैं या इंस्टा देखते हैं, तो एफ बी इंस्टा में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है, पता चला 1 घंटा चला गया, 1/2 आवर चला गया, पता ही नहीं चलता कब चला गया, बिकॉज ऐसा ह्यूमन नेचर सबके साथ होता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये चीज़ डिग्निटी होनी चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहूँगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सर जैसे हम रात में 11 बजे और मैं अपने फ्रेंड को कॉल लगा दिया, भाई तुमने कितना पढ़ लिया, अभी कितना और पढ़ना बाकी है ना, उसमें बातें करते करते पता चला 1/2 घंटा चला गया। तो दो चीज़ें, एक ग्रुप स्टडी और दूसरा फोन अ फ्रेंड, ये बिल्कुल नाइट में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, नाइट में मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमें पढ़ना ये चीज़, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि जब हम रात में पढ़ते हैं तो अक्सर हमको नींद आती है, कहीं हम लेट के पढ़ते हैं, कहीं हम बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं हमें नींद आती है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो ट्राई ये करिए कि सपोज आप कुछ रिवाइज कर रहे हैं, है ना, तो उसको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आपको नींद बहुत कम आती है। तो ट्राई करिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसको मतलब लिखते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें जो है आती भी जाएंगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो कोशिश करिए कि ट्राई टू राइट एवरीथिंग। दूसरा पॉइंट है, जो भी आपके यहाँ से कॉफिनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो ये कोशिश करिए कि कम पीजिए, बिकॉज हमें आदत होती है कि हम मतलब जितना ज़्यादा जग रहे हैं उतना ज़्यादा 2-3 बार हम लोग ड्रिंक्स लेते रहते हैं, लेकिन ये हमारा एक दिन का काम थोड़ा ना, हम तो मतलब पढ़ना चाहते हैं और तब तक पढ़ना चाहते हैं जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बड़ी लंबी जर्नी रहती है, है ना। ऐसा ना हो कि अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं से इसका लॉस हो, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। इसके बाद लेट कभी कभी होता है कि हमने 4 बजे तक पढ़ा, है ना, अक्सर हम 4 बजे 3 बजे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो 3-4 बजे तक तो पढ़ते हैं, अब 3-4 बजे तक पढ़ा तो कोशिश ये होती है सुबह हम जब सो जाएंगे तो जल्दी से 8 बजे जग जाएंगे, 9 बजे जगेंगे, ऐसा दिमाग से निकाल देंगे। अगर आप 4 बजे सो रहे हैं ना तो फिर ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं सुबह बहुत जल्दी जगूँगा, नहीं कुछ नहीं करना है। आप जब लेट सोए हैं तो ऑब्वियसली आप कोशिश करिए कि 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार प्रॉपर नींद लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उतना ही ज़्यादा नेक्स्ट डे भी तो पढ़ना है, फिर अगले दिन भी पढ़ना है, फिर अगले दिन भी पढ़ना है, एक दिन थोड़ा ना कि फुल नाइट जग लेंगे उसके बाद अगले दिन हमें कुछ नहीं करना। तो कोशिश करिए अपनी 7-8 आवर्स की नींद लीजिए। मैंने आपको 5 पॉइंट डिस्कस किए, एक रेगुलर अलार्म्स वाला, दूसरा सोशल मीडिया वाला, तीसरा हमने ग्रुप स्टडी के बारे में बोला, चौथा हमने राइटिंग के लिए बोला, पांचवा हमने कॉफिनेटेड ड्रिंक्स के लिए बात की है, और लास्ट जो पॉइंट है 6th पॉइंट जो हमने आपके स्लीप्स के बारे में बात की, ठीक है, कि पूरा 7-8 आवर्स की स्लीप लीजिए। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए पर्सनली, और अगर आप अभी से स्टडी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अभी से स्टडी करिए, और कोशिश करिए कि हाँ एक बेहतरीन टाइम से इतना पढ़ें, बिकॉज हमें इफिशियंटली पढ़ना है, ना कि हमें अपना टाइम दिखाना है दोस्तों, हमें इफिशियंटली पढ़ना है कि हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं और हम अपना बेस्ट ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। चलो तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग ऐसे ही मैं और भी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।